कि जहां भी राहुल गांधी जी जाएंगे मैं बिना चप्पल के राहुल जी के साथ संघर्ष करता रहूंगा। इस सोच को अगर कोई हरा सकता है तो राहुल गांधी जी हरा सकते हैं। इनका अगर सामना अगर कोई कर सकता है तो राहुल गांधी जी कर सकते हैं। हिंदुस्तान को दुनिया के ताज पर अगर कोई ले जाने का काम कर सकता है तो राहुल गांधी जी हैं। मोदी जी कैसे हो? अंदर में विपक्षी एकता की बैठक हो रही है और यहाँ पर एक सज्जन है जो झंडा लगातार फहरा रहे हैं। कहाँ से आए हैं? मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से आए हूँ। अच्छा, मतलब इस तरह से झंडा फहराना और पूरा राहुल जी का फोटो, ये तमाम चीज़ें हैं, क्या क्या कहना चाहते हैं? मैं एक संकल्प लेके निकला हुआ हूँ, मेरा एक सपना है और आपका भी एक सपना होगा जब आप यहाँ आए हो और होना भी चाहिए। मेरा सपना है कि इस देश को जहाँ हमें जन्म मिला है, इस हिंदुस्तान को दुनिया के ताज पे मैं देखना चाहता हूँ। और जब मुझे लगा कि मेरे सपने को अगर कोई साकार कर सकता है, हिंदुस्तान को दुनिया के ताज पर अगर कोई ले जाने का काम कर सकता है तो राहुल गांधी जी हैं। मोदी जी कैसे हो सकते हैं, बताइए। देश की अर्थव्यवस्था का है, देश का बेरोजगार कैसे हाहाकार मचा रहा है, किसान त्राहिमाम त्राहिमाम मचा रखी है, पूरा का पूरा हिंदुस्तान में भय का माहौल है, बेरोजगारी है, महंगाई है। अरे राम राज्य पूरे हिंदुस्तान में। अरे कहने से राम राज्य नहीं होता, राम राज्य होता है जब आप खुश और मैं खुश हूँ, आपकी सोच अच्छी है, मेरी सोच अच्छी है और हम सब की सोच को लेके हम हंसी हंसी इस देश में राज कर रहे हैं, चला रहे हैं और हम सब खुशी खुशी रह रहे हैं। आप जो चाहते हैं वो कौन ला सकता है? वो राहुल जी ला सकते हैं। राहुल जी की सोच है, राहुल जी को पीएम बनाएंगे। राहुल जी की सोच, राहुल जी को पीएम बनाएंगे तब ना। मैं वही कह रहा हूँ ना, राहुल जी की सोच को देखते हुए, राहुल जी कोमल हृदय को देखते हुए, राहुल जी सच्चे इंसान की छवि देखते हुए मुझे लगा कि इस देश को नंबर वन पे अगर कोई ले जा सकता है राहुल जी ले जा सकते तो हैं। और मैंने संकल्प लिया कि जब तक राहुल जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते मैं बिना चप्पल के चलूंगा। नीतीश कुमार जी भी प्रधानमंत्री के रेस में हैं और भी कई लोग हैं। बहुत अच्छी बात है। तो राहुल जी कैसे बनेंगे? बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और जिनका पब्लिक में दम होता है वही ये बात सोचता है कि मैं प्रधानमंत्री। आपका बात मैं सुन लिया, आप कह रहे हैं जो आपको जो देश में चाहिए वो सिर्फ राहुल गांधी जी ला सकते हैं। आपका सपना है राहुल गांधी जी पीएम बने। हाँ। लेकिन यहाँ तो नीतीश कुमार जी भी पीएम बनने के रेस में हैं और भी लोग पीएम बनने के रेस में हैं, फिर राहुल जी कैसे बनेंगे? राहुल जी के लोकसभा की संस्था भी चली गई है। देखो ऐसा है, इच्छाएं हर किसी की होती हैं और होनी भी चाहिए। जब इंसान की इच्छाएं मर जाती हैं तो फिर वो कुछ नहीं करता। कौन बनेगा पीएम? आपको क्या लगता है? कौन बनेगा पीएम? देश की जनता चाहती है कि इस सोच को हराया जाए जो इस वक्त देश पे शासन कर रही है। किसी भी तरीके से संगठित होके इस सोच को हराने का प्लान बनाना चाहिए। इकट्ठे होके जब हम गुलदस्ता बनाएंगे, एक फूल को जोड़ेंगे और मोहब्बत के गुलदस्ते को जब हम खिलाएंगे तो ये सोच हारेगी। और इस सोच को हराने के लिए हम सब डर संकलित होकर निकलेंगे। और ये जो मंथन चल रहा है, किसके नाम? ये जो मंथन चल रहा है बिहार की, इस पटना की, इस धरा पर, नाम पर दृढ़ संकल्प। इस मंथन में आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा थोड़ा जब वक्त गुजरता जाएगा तो शाम का वक्त जब आएगा राहुल जी के नाम पर, राहुल जी के निकलेगा, राहुल जी के नाम पर अमृत के तौर पे हिंदुस्तान के सर्वमान्य नेता बन के उभरेंगे राहुल गांधी जी। सब तैयार हो जाएंगे उनके नाम पे, सब तैयार हो जाएंगे। लोकसभा की सदस्यता कैसे मिलेगी? आप समझिए इस बात को, लोकसभा तो सदस्यता भी नहीं ना है यार, अभी की बात नहीं है, हम अभी की बात ही नहीं कर रहे। 24 में समय ही कहाँ है? 24 में अभी आ गया, उससे पहले कई राज्यों में चुनाव हैं, वहाँ भी मोहब्बत का गुलदस्ता खिलेगा। देश की जनता चाहती है। आपको विश्वास है राहुल जी पीएम बनेंगे? मुझे तो है ही, पूरे देश की जनता को विश्वास है अब कि सोच को अगर कोई हरा सकता है तो राहुल गांधी जी हरा सकते हैं। इनका अगर सामना अगर कोई कर सकता है तो राहुल गांधी जी कर सकते हैं। कहने से नहीं होता, कभी भी किसी
इन्होंने बहुत भय का माम दिखाया राहुल जी को, डराने की कोशिश की, चाहे ईडी का मामला हो चाहे कोई और मामला हो, लेकिन राहुल जी डरे नहीं हैं, थके नहीं हैं। उसके बावजूद पूरे हिंदुस्तान को जोड़ते हुए कश्मीर में देश के ताज पे तिरंगा फहराया। जी आपको जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं राहुल जी, मुलाकात हुई थी राहुल जी, हम राहुल जी के कांग्रेस पार्टी के बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, सिपाही भी है। राहुल जी से तो मुलाकात होती रहती है, अभी इस यात्रा में भी देखा होगा आपने कि हिंदुस्तान की जनता के दर्द को समझने का, दर्द को समझने का राहुल जी ने जब बेड़ा उठाया, यात्रा निकाली, राहुल जी ने देश की जनता को गले लगाया तो बहुत लोग मिले, उनका दर्द समझा, और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी मिलते राहुल जी, और मैं भी राहुल जी का एक छोटा सा कार्यकर्ता तो हमें भी गले लगाते हैं, समझते हैं। इधर कब मुलाकात, रिसेंटली कब मुलाकात हुई है? आज भी हुई है, आज भी हुई है, बिल्कुल हुई है, पहचान गए वो? अरे भैया वो प्यार करते हैं हमें यार, हम उनसे प्यार करते हैं, तो हमसे मुझे लगता है जितना हम प्यार करते हैं शायद उससे ज्यादा। आने का उद्देश्य क्या है, हरियाणा से यहाँ आ रहे हैं, बैठक तो अंदर, हमारा उद्देश्य तो एक ही है, हमारा उद्देश्य तो केवल एक ही है कि जहाँ भी राहुल गांधी जी जाएंगे वहाँ भी जाएंगे, मैं बिना चप्पल के राहुल जी के साथ संघर्ष करता रहूंगा, इस झंडे को बुलंद करता रहूंगा। और राहुल जी जब पटना में आए हैं तो तब भी मैं राहुल जी के साथ यहाँ। एक बार बताइए फिर से। मेरा नाम पंडित दिनेश शर्मा भाई साहब। दिनेश शर्मा जी हरियाणा से आए हुए हैं और राहुल जी जहाँ भी जाते हैं दिनेश जी वहाँ आते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बना रहा है जरूर। पटना आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम, हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।